अगर आप अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन भी दबा लीजिए ताकि आप देख सकेंगे मेरे बायोग्राफिक्स के वीडियो सबसे पहले। केशुभाई पटेल एक भारतीय राजनीतिज्ञ थे जो 1925 में और 1908 से 2001 तक भारत के गुजरात राज्य के मुख्यमंत्री थे। पटेल का जन्म 24 जुलाई 1928 को जूनागढ़ जिले गुजरात में विसावदर शहर में हुआ था। वो 1945 में प्रचारक के रूप में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ RSS में शामिल हो गए। आपातकाल के दौरान उन्हें कैद कर लिया गया था। पटेल ने लीला पटेल से शादी की है और उनके 5 बेटे और एक बेटी है। उनके पुत्र भारत पटेल भाजपा के सदस्य हैं। 21 सितंबर 2006 को व्यायाम कक्ष में बिजली की आग लगने से लीला पटेल की गांधीनगर में उनके घर में मृत्यु हो गया। 9 सितंबर 2017 को अमेरिका में रहने वाले पटेल के 60 वर्ष बेटे प्रवीण पटेल का हृदय गति रुकने से निधन हो गया। केशुभाई पटेल ने 29 अक्टूबर 2020 की सुबह सांस लेने में कठिनाई की शिकायत की। उन्हें एक अस्पताल ले जाया गया जहां उसी दिन उनका मृत्यु हो गया। पटेल ने अपने राजनीतिक जीवन की शुरुआत जनसंघ के लिए एक कार्यकर्ता के रूप में किए थे जिसके वो 1960 के दशक में संस्थापक सदस्य थे। 1978 से 1980 तक बाबूभाई पटेल की जनता मोर्चा सरकार में कृषि मंत्री के रूप में शामिल रहे। पटेल 1979 के मच्छू डैम की विफलता के बाद राहत कार्य में शामिल हुए जिसने मोरबी को तबाह कर दिया। वह गुजरात विधानसभा के 6 बार सदस्य थे और 1980 के दशक से भारतीय जनता पार्टी भाजपा के सदस्य थे। बाद में उन्होंने 2012 में भाजपा छोड़ दिए और गुजरात परिवर्तन पार्टी का गठन किए। उन्हें 2012 के राज्य विधानसभा चुनाव में विसावदर से चुना गया था लेकिन बाद में बीमार होने के कारण 2014 में इस्तीफा दे दिया। मेरे वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करिए और आप अगर ऐसे बायोग्राफी देखना चाहते हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को दबाने मत भूलिए क्योंकि मैं हर हफ्ते आपके लिए ऐसे वीडियो लाऊंगा।